साथियों युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है और ये सामाजिक न्याय का भी अहम कदम है दुनिया में सैकड़ों अलग अलग भाषाएं हैं हर भाषा की अपनी अहमियत है दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों ने अपनी भाषा की बदौलत बढ़त हासिल की है अगर हम केवल यूरोप को ही देखें तो वहां ज्यादातर देश अपनी अपनी नेटिव भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे यहां इतनी सारी समृद्ध भाषाएं होने के बावजूद हमने अपनी भाषाओं को पिछड़ेपन के तौर पर पेश किया इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कोई कितना भी इनोवेटिव माइंड क्यों ना हो अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो उसकी प्रतिभा को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता था इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे ग्रामीण अंचल के होनहार बच्चों को उठाना पड़ा है आज आजादी के अमृतकाल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की है और मैं तो यूएन में भी भारत की भाषा बोलता हूं सुनने वाले को ताली बजाने में देर लगेगी देर लगेगी साथियों अब सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं में होगी युवाओं के पास भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर उनकी प्रतिभा भी खुलकर के सामने आएगी और इसका एक और लाभ देश को होगा भाषा की राजनीति करके अपनी नफरत की दुकान चलाने वालों का भी शटर डाउन हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से देश की हर भाषा को सम्मान मिलेगा बढ़ावा मिलेगा